ये वीडियो तुम्हारे लिए है अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस है। पहला, मेरे पास एंड्रॉयड आईओएस का कोड है, उसे फ्लटर में कैसे यूज़ करूँ। दूसरा, मुझे फ्लटर में कोड नहीं मिल रहा है पर मेरे पास एंड्रॉयड आईओएस का कोड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एसडीकेस जो नेटिव में होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में होता है, आईओएस में होता है, लेकिन फ्लटर में नहीं होता, तो उस केस में क्या करें। अगर आपके पास ये क्वेश्चंस है तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेरा नाम है विवेक यादव, आप देख रहे हैं प्रो कोच। चलो सीखते हैं कैसे हम लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कस्टम कोड। सो यू कैन सी, ध्यान से देखो, यहाँ से ये है मेरा फ्लटर का ऐप, ठीक है। फिर यहाँ पर है आईओएस का और यहाँ पर एंड्रॉयड का। ये मैंने कुछ अजीब सा नहीं बोला, सुनो। तो ये मेरा पूरा ऐप है, ठीक है, तो जिसके अंदर फ्लटर का भी होता है पार्ट। अगर मैं एंड्रॉयड पर रन करूँ तो एंड्रॉयड का पार्ट रन होता है, आईओएस पर रन करो तो आईओएस का पार्ट रन होता है, ठीक है। तो फ्लटर हमको एक पावर अप्लाई देता है, पावर देता है, तो उसका नाम है मेथड चैनल, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग सीधा प्लेटफॉर्म से बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं मतलब डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमको पता करना है कि बैटरी कितना है मोबाइल में, तो तुम फ्लटर के ऐप से कॉल कर सकते हो एंड्रॉयड आईओएस को कि भाई तेरा बैटरी क्या कितना परसेंटेज है मेरे को बताओ, ठीक है। और वहाँ से वो अपना जो भी प्लेटफॉर्म रहता है वो डेटा रिटर्न करता है फ्लटर के ऐप में, फिर वहाँ पे हम लोग शो करते हैं कि मेरा ये है, ठीक है। तो इन नटशेल, ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर फ्लटर, अगर प्लेटफॉर्म के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, तो फ्लटर के अंदर होता है मेथड चैनल, ठीक है, जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। एंड्रॉयड के अंदर जब मैं फ्लटर से एंड्रॉयड को कॉल करता हूँ तो वो मेथड चैनल के थ्रू कॉल करता है, ठीक है, तो उस मेथड का नाम है मेथड चैनल, ठीक है। आईओएस के अंदर उसका नाम है फ्लटर मेथड चैनल, ठीक है। थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन होता है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है इसको। प्लस इस चीज़ को ध्यान दो कि मैसेजेस एंड रिस्पॉन्स है और पास्ट असिंक्रोनसली टू इंश्योर यूज़र इंटरफेस रिमेंस रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर वो सिंक्रोनस हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यूज़र को लाइव मिलेगा, इसलिए वो असिंक्रोनस होता है तो हमें असिंक कमिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ कोड एक्शन, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट रहेगा आपको तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। चलो, तो ये है, मैंने एक नॉर्मल सा फ्लटर एप्लीकेशन बना लिया, ठीक है, जिसको मैंने इनिशिएट किया। हम लोग वेबसाइट के थ्रू जाएंगे ताकि आपको भी समझे कि कैसे काम हो रहा, अगर आप कभी अटके तो आप हेल्प कर सको खुद को, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे स्टेटफुल क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है मेथड चैनल, क्या बोल सकते इसको, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एक स्कैफोल्ड लेता हूँ, स्कैफोल्ड का बॉडी एक है, एक हेल्पर होगा, टाइटल में टेक्स्ट में डाल देता हूँ मेथड चैनल, ठीक है। पहले मोबाइल को भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं तब तक, और बॉडी के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर है ना, एक वैल्यू ले लेते हैं पहले स्ट्रिंग, ठीक है, और मेथड चैनल वैल्यू, मेथड चैनल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नॉट इनिशिएटेड, ऐसे क्या कहते हैं इसको, इसको यहाँ से लिखे और टेक्स्ट में हम लोग ये वैल्यू पास कर देंगे, क्या मेथड चैनल वैल्यू, ठीक है। स्टाइल थीम डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टेक्स्ट, थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। तब इसको रन करके देखते पहले कि क्या हमारे पास है, और फिर हम लोग मेथड चैनल इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं वाइजर यूज़ कर रहा हूँ मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को होस्ट करने पे दिखाने के लिए, कनेक्टेड या रन करते हैं, तब तक मैं आपको वेबसाइट के थ्रू जाता हूँ, ठीक है।
क्या हम लोग होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग को, ठीक है, कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, पूरा आर्किटेक्चर कैसा है। ठीक है, सिंपल, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल से जैसे फ्लटर से हम आईओएस को कॉल करते हैं, फ्लटर से हम एंड्रॉइड को कॉल करते हैं। ठीक है, और जब कॉल करते हैं तो हम वहाँ पे एंड्रॉइड के, अगर मैं एंड्रॉइड को कॉल करूँ तो एंड्रॉइड के स्पेसिफिक सारी चीज़ें वहाँ पे मैं हैंडल करूँगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्टिविटी ओपन करना या फ्रेगमेंट ओपन करना, जो भी होगा। सेम चीज़ आईओएस की तरफ जाती है, जब जैसे मैं आईओएस को कॉल करता हूँ तो वहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी नॉर्मल आईओएस के कॉल होते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी सबसे पहले हमको ये चालू होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लटर के अंदर क्या नाम होता है, मेथड चैनल, जिसके थ्रू हम कॉल करते हैं। तो जब यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये डार्ट फाइल है। ठीक है, तो डार्ट के अंदर क्या यूज़ किया है लोगों, मेथड चैनल। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए मेरा ऐप ऐसा कुछ तो दिख रहा है, मेथड चैनल का ऊपर नाम है और यहाँ पर नॉट इनिशिएटेड। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बटन देते रहते हैं यहाँ पर, उसको कॉलम कर देते हैं पहले। फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, जिसका चाहिए होगा टेक्स्ट इनिशिएट मेथड चैनल। तो हमारा एम क्या होगा, पहले एम बता देता हूँ मैं तुमको। एम क्या होगा कि वी विल कॉल रिटर्न माय नेम। ठीक है, माय नेम मतलब विवेक, विवेक बाय 25 मेरा यूजर नेम डाल देता हूँ। तो विवेक बाय 25 में रिटर्न करूँगा मेरे मेथड चैनल के थ्रू, और फिर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन में यहाँ से कॉल कर देता हूँ विवेक मेथड चैनल। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी, ये बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखा देखो, स्टैटिक कॉन्स्ट मेथड मेथड चैनल। ठीक है, अगर चेक करते हैं तो क्या चाहिए, तो उसे एक नेम चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। तो फिर इसे मैं नेम पास करता हूँ, तो मेरा नेम होगा यूजर नेम, और यूजर नेम रिट्रीवर, और क्या कर सकते हैं, यूजर नेम पास कर, चलो यूजर नेम, चलो नाम है यूजर नेम। ठीक है, तो वो मेरा यूज़र नेम क्या करेगा, जब भी मैं चैनल कॉल करूँगा यूज़र नेम का, तो वो मुझे रिटर्न करेगा यूज़र नेम, और मैं यहाँ पर उसको दिखाऊँगा। ठीक है, चलो इसके बाद, ठीक है, तो जैसा ये मैंने यहाँ पर कहा था कि ये चीज़ मैसेजेस एंड रिस्पॉन्सेज आर पास असिंक्रोनसली टू इंश्योर यूजर इंटरफेस रिमेंस रिस्पॉन्सिव। मतलब हम हर जगह जब भी इसको कॉल करेंगे तो असिंक अवेट यूज़ करेंगे फ्लटर के अंदर। ठीक है, चलो, तो जब असिंक अवेट यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन भी हो जाएगा असिंक। ठीक है, इसके बाद देखते क्या क्या करते हैं हम। तो सिंपल था, तो ये एग्जांपल है जो फ्लटर के वेबसाइट पे है। ये क्या करता है कि बैटरी मंगाता है। ठीक है, बैटरी का लेवल जो भी, ठीक है, तो कैसे कॉल करता है वो, जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया, ठीक है, जिसका हमने मेथड चैनल दिए, ठीक है, उसको इन्वोक करता है मेथड। कौन सा मेथड, कोई भी एक मेथड। ठीक है, चलो हम भी इन्वोक करते हैं, तो मेरे इसका नाम है मेथड चैनल। ठीक है, मेथड चैनल डॉट इन्वोक मिल रहा है क्या, इन्वोक मेथड डॉट। ठीक है, इसको मिलूँगा गेट यूजर नेम। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने पहले इसको बताया, देख भाई, तो एक मुझे मेथड चैनल दे, मतलब एक चैनल दे जिसका नाम है यूज़र नेम। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक चैनल ये होता है तो मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल चैनल्स मैं बना सकता हूँ। तो समझो, अगर मल्टीपल काम करने से लॉगिन का हो सकता है,
ऑर्डर का हो सकता है, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रही, तो मल्टीपल चैनल बना सकता हूँ मैं, उसके थ्रू उनको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उस मेथड चैनल के अंदर हम मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं। तो जैसे ये मेथड चैनल के अंदर एक फंक्शन में लिख रहा हूँ गेट यूज़र नेम, परफेक्ट, ठीक है। तभी इसको हम इन्वोक करेंगे, उसके बाद डेटा हमें रखना पड़ेगा। तो वेट, तो देखते हैं इन्वोक मेथड देता है। तो इन्वोक मेथड हम लोग को फ्यूचर में कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इन्वोक मेथड को मैं बोलता हूँ कि तुम लोग स्ट्रिंग, ठीक है, ज़्यादा नहीं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। जब मैं गेट यूजर कॉल करूँगा तो वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और जैसे ही स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इफ रिटर्न वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल देन सेट स्टेट, मैं मेरा डेटा अपडेट करूँगा, मेरा मेथड चैनल को अपडेट कर दो मेरे नए वाले वैल्यू से। तो नए वाले वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया हमारा फ्लटर का इम्प्लीमेंटेशन। अभी हमको एंड्रॉयड में जाके इसको भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे अगर हमारे लेफ्ट साइड में एंड्रॉयड के फोल्डर में ऐप के अंदर SRC मेन, ठीक है। हमेशा ध्यान देना ये मेन होता है ना, ये मेन तुम्हारा एक्चुअल फाइल होता है जहाँ पर तुमको चेंजेस करने हैं। डिबग में और प्रोफाइल में चेंजेस मत करना अगर तुम स्पेसिफिकली वहाँ पर जाकर चेंज कर रहे हो तो। अगर तुम्हें नॉर्मली चेंज करना है तो मेन के अंदर ही चेंज करना है, ओके। मैंने कोटलिन चालू किया ना, कोटलिन में जाते हम फ्लटर ऐप मेन एक्टिविटी, ठीक है। हाइट मेन से पटने करना, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आओ। तो अभी एंड्रॉइड के अंदर हूँ मैं, तो मुझे क्या चाहिए, मेथड चैनल। तो मुझे यहाँ पे एक और मेथड चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दो कि अभी यहाँ पर मैंने कुछ सेटअप वगैरह किया है ऐसे के, तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑटो करेक्ट नहीं मिलेगा, सजेशन नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे यहाँ से एंड्रॉइड का मॉड्यूल ओपन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जाके मुझे सारी चीज़ें मिलेगी सजेशन वगैरह। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जाकर अगर मैं कुछ कोड करूँ तो परचेस होगा, तो हम लोग यहीं पर ट्राई करते हैं। तो ये मैंने एंड्रॉइड का पार्ट ओपन किया फ्लटर के अंदर, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, सेम फाइल। तो अभी यहाँ पर ये हमको चैनल बना देना है, ठीक है, प्राइवेट फाइल, ठीक है। इसका नाम क्या देना है, हम लोग मेथड चैनल देते हैं। चलो फिर से हम लोग मेथड चैनल, ठीक है, टाइप ऑफ मेथड चैनल, ठीक है। और इसका हमने मेथड चैनल का नाम हमारे क्या रखा है, रखा है यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, कुछ तो रॉन्ग होगा, कुछ तो प्रॉब्लम है, देखते हैं। प्राइवेट बाइक शीट टू स्ट्रिंग, तो इस तरह में जब भी मैं कोड लिखता हूँ तो इस तरह जाता हूँ, एक रेफरेंस लेता हूँ और वहाँ से मैं सारा काम करता रहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या रहा है, तो ये एक्चुअली डबल कोड लिखते हैं, सिंगल कोड नहीं लेता, ठीक है। चलो तो अभी हमको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुमको मेथड चैनल, तो ये वाला पार्ट करना है। चलो देखते क्या है, मेथड चैनल डॉट मेथड कॉल हैंडलर, मुझे इसी को इन्वोक करना, ठीक है। उसके बाद कुछ है अंदर, ठीक है, इसके अंदर जा सकता हूँ। चलो जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। तो जब मैं अंदर गया तो उसे एक बाइनरी मैसेंजर चाहिए और एक नाम चाहिए, ठीक है। तो बाइनरी मैसेंजर फ्लटर में कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो चलो ट्राई करते हैं हम लोग। तो फ्लटर इंजन डॉट डॉट एग्जीक्यूटर, ठीक है, कॉमा मेरा मेथड चैनल, ठीक है। इसके बाद अभी इसके अंदर देखो, तो मैंने ये पार्ट सेट कर दिया है, ठीक है, मेथड चैनल मैंने सेट कर दिया, उसको जो बाइनरी चाहिए था वो पास कर दिया, नाम पास कर दिया। अब मैं उसके ऊपर फंक्शंस कॉल करूँगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सेट मेथड कॉल हैंडलर, इसके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखो। इसके पास दो चीज़ें आती है, कॉल है और एक रिजल्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसमें, तो एक कॉल है, ऐसे ही करते हैं सेट। आप इसको जावा के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है, कोटलिन ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोटलिन है तो आप कोटलिन के
पार्कर नहीं आ रहा था, क्या होता है पार्कर, चलो आ जाओ ठीक है। फिर आई थिंक ये होता है, चलो देखते क्या होगा। ठीक है अंदर गए हम लोग, ठीक है तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कॉल डॉट मेथड डॉट इक्वल्स होता है, तो अगर मेरे मेथड का नाम गेट यूजर नेम है तो मुझे कुछ कभी काम करना है। ठीक है इक्वल्स क्या हमको प्रोवाइड करता है यानी बोलिए। ठीक है अगर ये है वो गेट यूजर नेम है तब मुझे फंक्शन कॉल करना है। मैं करूँगा अभी यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, ऐसे रिटर्न करते हैं नहीं सारे ये जो रिजल्ट है रिजल्ट डॉट सक्सेस के अंदर में डेटा पास कर सकता हूँ। मेरा यूजर नेम क्या है VIV के बाद 259 कुछ तो प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं फ्लटर का आदत लग गया। ठीक है तो मैंने क्या किया सिंपल था क्या किया मैंने यहाँ पर मैथड चैनल इन्वोक किया। ठीक है उसको मैंने डार्क एक्सिक्यूटर पास किया जो कि होता है बाइनरी मैसेंजर। अगर हम अंदर कहीं जाकर देखेंगे तो हमें पड़ेगा बाइनरी मैसेंजर है। ठीक है जो हमको उसको पास करना होता है ये बाइनरी मैसेंजर का टाइप। ठीक है और उसको मैंने पास किया मेरा मेथड चैनल का नाम। ठीक है ऐसे मेरे पास मल्टीपल मेथड चैनल का नाम होता है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल दूँ मेथड चैनल वन यहाँ पर यूजर नेम वन। ठीक है ये सेम चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं विथ डिफरेंट मेथड चैनल और नेक्स्ट। ठीक है तो मैं एक साथ मल्टीपल मेथड चैनल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है डिपेंड्स करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है तो मेथड चैनल इन्वोक किया यहाँ तक। ठीक है फिर एक कॉल बैक मेथड यूज़ किया इसका सेट मेथड कॉल हैंडलर। ठीक है उसके बाद दो चीज़ें मिलती हैं कॉल और रिजल्ट। तो जब भी मैं मेथड कॉल करूँगा तो ये वाला फंक्शन इन्वोक होगा जो मुझे डेटा पास करेगा कॉल के थ्रू। ठीक है और जिसको मुझे डेटा पास करना है रिजल्ट के थ्रू। ठीक है यहाँ से मुझे डेटा आएगा यहाँ से मेरा डेटा जाएगा। तो मैंने चेक किया कॉल का मेथड का नाम क्या है। अगर कॉल के मेथड का नाम है गेट यूजर नेम ठीक है तो मैं रिजल्ट पास करूँगा सक्सेस में विवेक बाय 259 जो मेरा यूजर नेम है। ठीक है चलो ट्राई करते हैं हम लोग। तो एक और चीज़ ध्यान रखो जब भी तुमने प्लेटफॉर्म में चेंज किया जैसे मैंने एंड्रॉइड में चेंज किया है या फिर मैं iOS में चेंज करूँ तो हॉट रिस्टार्ट या हॉट रिलोड काम नहीं करता। ठीक है तो इसके लिए तुम्हें ऐप बंद करना पड़ेगा और फिर पूरा ऐप चालू करना पड़ेगा उसका रिजल्ट देखने के लिए। ठीक चेक क्या होता है मुझे कमेंट डाउन करो कि तुम क्या सोच रहे हो इस टाइम पर सक्सेस रेशियो क्या होगा 10% 20% 30% या 100%। ठीक या हो गया रन इंस्टॉल हो गया सॉरी इंस्टॉल हो गया। ठीक है लेट्स सी आई नेवर एट्रीब्यूट माय सक्सेस टू दिस आई नेवर गिव और टुक एनी एक्सक्यूज ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे इंस्टॉल करने के लिए। ओके ठीक है तो इस पर कॉल करो इस पर जब डिबग लगा सकते हैं हम लोग डिबग का तो ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे जब मैं कॉल करूँगा मेरे को वीवो पर 259 आया तो देखा तुमने क्या हुआ नहीं देखा कुछ देखते यहाँ पर डिबग फोन लगाते ट्राई करते डिबग लग शायद शायद नहीं लगेगा। ठीक है तो मैं फिर से जब तक डिबग लगा रहा तब तक मैं तुमको फिर समझा देता हूँ कि क्या हुआ। तो ये नहीं ठीक है तो ये मेरा मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी वो क्लास होती है जो एंड्रॉयड के अंदर मेन है। ठीक है जहाँ से जब वो जो तुम्हें जो भी दिख रहा है इसके अंदर वो रन होता है। ठीक है तो जो एंड्रॉयड के अंदर जो अभी व्यू दिख रहा है वो मेन एक्टिविटी से मिलती है। तो इसके अंदर मैंने एक मैसेज चैनल बनाया। ठीक है इसका नाम रखा मैंने यूज़र नेम। ठीक है और सेम यहाँ पर भी रहा यहाँ पर मैंने एक मैसेज चैनल बनाया और जिसका नाम मैंने रखा यूज़र नेम। ठीक है और फिर ये सब नॉर्मल जो पैसे आते हैं। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया मेथड चैनल करके क्लास होता है। ठीक है जिसके अंदर मुझे बाइनरी मैसेंजर पास करना है और नेम पास करना है। ठीक है
बाइनरी मैसेंजर हमको फ्लटर दे देगा यहाँ से फ्लटर इंजन के थ्रू, ठीक है, और मेथड जनरेट जो हमने बनाया है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसको लेने के बाद जब भी हम लोग मैसेज चैनल कॉल करते हैं या मेथड चैनल को इन्वोक करते हैं ना, तो फंक्शन कॉल होती है सेट मेथड कॉल हैंडलर, कहाँ पे एंड्रॉइड की तरफ, ठीक है। और यह करती है हमको दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, कॉल और एक रिजल्ट। कॉल में वो जो भी हम डेटा पास करते हैं हमारे क्या बोलते हैं इसके थ्रू फ्लटर के थ्रू, वो यहाँ पे आता है। और अगर हमको कुछ पास करना है मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो रिजल्ट से आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया कि मेरे कॉल डॉट मैथड के अंदर क्या है, तो मैंने चेक किया कि अगर गेट यूजर नेम है, जैसे यहाँ पर देखें हम लोग अपने फ्लटर के साइड में आ गए, हमें अगर मैं इन्वोक कर रहा हूँ मेथड गेट यूजर नेम, एग्जैक्टली सेम नाम यहीं पर है, तो वो मुझे रिजल्ट में सक्सेस देगा विवेक बाई 259, ठीक है। तो डिबग करके देखते हैं हम लोग। तो मैं भी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसको क्लिक किया मैंने, अभी यहाँ पर आ गया मैं। तो रिटर्न वैल्यू मेरा क्या है वेरिएबल में देखो, विवेक बाई 259 और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आ गया, मैं करता हूँ ये वैल्यू चेक करता हूँ नल है कि नहीं, तो अंदर गया मैं नल नहीं है, तो रिस्टेट करता हूँ, इस वैल्यू को अपडेट करता हूँ मेथड चैनल वैल्यू जिसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट में दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी इसका नाम हो चुका है विवेक बाई 259, तो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ तो हम देखते हैं यहाँ पर अपडेट हो गया होता है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक एग्जांपल था कि कैसे हम मेथड चैनल यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के अंदर। सेम iOS के लिए भी होता है, तो मैं तो एंड्रॉइड डेवलपर था तो मुझे iOS का आइडिया नहीं, बट मैं दिखा देता हूँ कोड में क्या होता है। तो जैसे जो मेथड चैनल बना रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं हमारे, तो iOS के अंदर क्या कॉल होता है फ्लटर मेथड चैनल, एंड्रॉइड के अंदर मेथड चैनल कॉल होता है, ठीक है। तो फ्लटर की तरफ आ गए तो यहाँ पर फ्लटर मेथड चैनल बनता है, ठीक है, उसको भी वही मिलता है क्या बोलते हैं जो मेथड चैनल का नाम दिया हमने और बाइनरी मैसेंजर, ठीक है। सेम डिक्टो सेम है, फिर लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। फिर इसके पास भी सेट मेथड कॉल हैंडलर है, परफेक्ट, इसको भी मिलता है कॉल और रिजल्ट जो हमारे पास मिल रहा था यहाँ पे। फिर देखो रिलेट कर सकते हो, तो देखो उसको एक बाइनरी दे दिया मैंने और मेथड का नाम दे दिया, ठीक है। उसके और iOS के अंदर क्या नाम है उसका फ्लटर मेथड चैनल, और इसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर है मेथड चैनल, देख रहे हो। और फिर दोनों में फंक्शन का नाम भी सेम है, सेट मेथड कॉल हैंडलर, अगर यहाँ पर देख रहे हो तो सेट मेथड कॉल हैंडलर, ठीक है। और उन दोनों को क्या मिलता है कॉल और रिजल्ट, इसके बाद भी एक कॉल और रिजल्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी इसके अंदर भी जब हम जा रहे थे भी चेक करता है कि मेरा अगर कॉल का मेथड ये है तो ये एग्जीक्यूट कर और रिजल्ट के अंदर पास कर, हमने भी वही किया, कॉल का मेथड अगर ये है तो रिजल्ट के अंदर मेरा वैल्यू पास कर, सेम, ठीक है। तो एंड्रॉइड iOS दोनों भी सेम है, अगर आपको एक भी चीज़ आ जाती तो आप दूसरा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अभी और कुछ ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर तुमको इसका एडवांस वर्जन चाहिए क्या, इसके एडवांस वर्जन हम यहाँ वर्जन में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मैं M2 बना बता देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमको ये चाहिए, इसका एडवांस वर्जन चाहिए क्या नहीं। हम डेटा पास करेंगे, ठीक है, थ्रू फ्लटर से लेके एंड्रॉइड के पास, ठीक है, और एंड्रॉइड से फ्लटर के पास, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी करेंगे, स्ट्रीम ओपन करेंगे दोनों प्लेटफॉर्म में, ठीक है, बोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक और एडवांस टॉपिक हो सकता है इसके अंदर, जहाँ पर हम लोग iOS वाला ना iOS ट्राई करेंगे, ठीक है, विल ट्राई iOS ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए थैंक यू और शबा खैर, बाय।